क्यों मारा तुमने? क्या जिसने जिसके वजह से किया उसको तो छोड़ा ना तुमने, जितेंद्र कुमार को पकड़ो ना पटना के, उसके कहने पे ही मारा मैंने। तुम झूठ बोल रहे हो? हाँ तो झूठ बोल रहा हूँ, तो झूठ बोल रहा हूँ। तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेखला रिसोर्ट में हुई युवती की हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मेखला रिसोर्ट में युवती की हुई सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी हेमंत भदाड़े को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम हेमंत भदाड़े, पिता राजेंद्र भदाड़े, उम्र 29 वर्ष, निवासी राधा कृष्ण नगर, नासिक, महाराष्ट्र बताते हुए बताया कि वो मृतिका शिल्पा से प्रेम करता था। शिल्पा के व्हाट्सएप में अन्य पुरुष के साथ फोटो देखने पर उसके चरित्र की शंका होने पर उसे समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वह मृतिका शिल्पा से शादी करना चाहता था, परंतु शिल्पा से जब भी वह फोन पर बात करना चाहता था, शिल्पा का मोबाइल हमेशा व्यस्त होने से संदेह गहराता गया, जिस कारण से आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से शिल्पा की ब्लेड से हमला कर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मृतका का मोबाइल, एटीएम कार्ड, चैन कान की बाली लेकर फरार हो गया। आरोपी हेमंत भदाड़े के कब्जे से पुलिस ने मृतका का मोबाइल, एटीएम कार्ड, चैन कान की बाली, नगदी 1,52,450 रुपए सहित जो एटीएम से निकाले थे जब्त की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारियों का भी इस घटना के खुलासे में महत्वपूर्ण योगदान रहा, साथ ही साथ मेखला रिसोर्ट की कैशियर के द्वारा भी आरोपी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई और इन्हीं समस्त जानकारियों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार करने में फिंगरप्रिंट निरीक्षक अखिलेश चौक से, साइबर सेल में कार्यरत आरक्षक अमित पटेल, सौरभ अरविंद सहित पंजाब टीम के उप निरीक्षक रजनीश मिश्रा, आरक्षक त्रिलोक हरि सिंह, अभिजीत भट्टाचार्य, आनंद यादव की सराहनीय भूमिका रही। इस घटना के संबंध में जब वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तो सूचना में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा के निर्देश पर इस महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। पुलिस के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय डीजीपी महोदय, माननीय एडीजी महोदय, श्रीमान डीआईजी रेणु महोदय और सीएसपी वर्गीय प्रियंका शुक्ला उनकी टीम, विशेषकर सीएसपी वर्गीय प्रियंका शुक्ला उनकी टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया। कुल मिलाकर के मामले चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि इसमें मृतिका और आरोपी दोनों की ही जो प्रथम दृष्टिया जो प्राइमा फेसी जो हमें साक्ष्य मिले थे, आधार कार्ड, वो दोनों भी गलत थे। पहले तो मृतिका की शिनाख्त करना, फिर आरोपी के बारे में पता करना, ये चैलेंज था। मृतिका के रूप में जो आधार कार्ड था वो अलग था, लेकिन असली उनकी शिनाख्ती शिल्पा झानिया के रूप में हुई। आरोपी के बारे में जो आधार कार्ड था अभिजीत पाटीदार का था, काफ़ी टाइम तक इनकी आइडेंटिटी अभिजीत पाटीदार के नाम से ही चली। इन्होंने जो वीडियोज़ अपलोड किए वो भी अभिजीत पाटीदार के नाम से किए, लेकिन नेफेस में जब इनका चांस प्रिंट मैच किया तो इसमें हेमंत भदाड़े के नाम से इनकी शिनाख्ती हुई। इनके करीब 37 अपराध नासिक में हैं और ये इतने शातिर अपराधी थे कि ये फरारी के दौरान पूरे इंटर स्टेट हर जगह, ये कभी रायपुर जाएंगे, फिर कभी नागपुर, फिर वापस एमपी में खंडवा, बुरहानपुर, फिर वहाँ से वहाँ दूसरे राज्य में सूरत चले जाएंगे, फिर वहाँ से हिमाचल गए, हिमाचल के बाद चंडीगढ़, और फिर उसके बाद ये राजस्थान होते हुए गुजरात इनका जाना था। इसी बीच हमको इनपुट मिला कि इन्होंने मृतिका के जो एटीएम कार्ड है उससे सुबह 8 बजे अजमेर तरफ इन्होंने कुछ पैसा निकाला, वहाँ से हमको इनपुट मिला। हमने राजस्थान पुलिस को सूचना दी, फिर इनको ट्रेस किया, फाइनली गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास थाना स्वरूपगंज है, जिला सिरोही, वहाँ पे जो नाका लगा करके इनको गिरफ्तार किया। सर पूछताछ में हम लोग जानते हैं कि 8/11/2022 को तिलवारा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि तिलवारा थाने अंतर्गत एक मेखला रिसोर्ट की जगह है, वहाँ के कर्मचारियों ने थाने में सूचना दिया था कि उनके कमरा नंबर 5 में एक लड़का और लड़की आए थे और घूमने के लिए कहते अंदर गए हैं और उसमें फिर 8/7 को लड़का अकेला चला गया और ये 8 को दोपहर में जब उन्होंने कोई वहाँ से खाने के या चाय के लिए, कोई नाश्ता के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया तो उन्होंने जाके जानकारी ली और पता चला और कमरा देखा तो लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी और शायद मृत अवस्था में थी, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया। तो सूचना प्राप्त होते कि थाना प्रभारी तिलवारा ने मौके पर जाके रवाना किया और जानकारी प्राप्त किया था, जानकारी ली, पूरी जानकारी प्राप्त हुआ था कि एक लड़का और लड़की जिसका नाम अभिजीत पाटीदार कहा गया था और राखी मिश्रा का है,
उन लोगों ने अपना आईडी कार्ड देके होटल मेखला रिसोर्ट में प्रवेश किया और प्रवेश करके घूमने के लिए एक दिन दो दिन घूमे, फिर बाद में वापस 7 तारीख को अकेला लड़का चला गया था। जैसे ही सूचना मिला था तो फिर इसमें विवेचना प्रारंभ की गई, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि कौन वो अज्ञात लड़का हो सकता है। तो इसमें जो हमारे पास फिर बाद में जो उन्होंने इंस्टाग्राम में अपना पोस्ट किया था और फिर जानकारी प्राप्त की और लड़की के यहाँ से भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की, उसका असल नाम शिल्पा जारिया नामक निकला था, जो मूल निवासी कुंडप की थी मगर हाल में गोरखपुर में रह रही थी। तो इस लड़की का परिचय इस लड़के के साथ हुआ था, तो इनका परिचय था, बस इतनी जानकारी हम पुलिस के पास प्राप्त हो पाई कुछ दिन में। फिर बाद में इस अभिजीत पाटीदार के तलाश पुलिस ने शुरू किया था। इस तलाश में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुना और प्रियंका शुक्ला जो CSP और उनका टीम ने पहला दिन से जब से जानकारी मिला लगातार इसमें प्रयास करते रहे, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि ये आरोपी जो है दूसरा बार भी फिर पोस्ट करने लगा और इंस्टाग्राम में अपना वीडियो बना के पोस्ट करता रहा कि मैंने इसके वजह से उसका हत्या कर दिया था। तो इसको ढूंढने का प्रयास में जानकारी में ये प्राप्त हुआ था कि लड़की का उसके पास ATM कार्ड था जिससे वो पैसे ड्रॉ कर रहा था। कुल मिलाकर 2,37,000 रुपीज उस लड़की का अकाउंट में था। तो यहाँ से जबलपुर से वो रायपुर गया, रायपुर से जैसे टीम गई तो पता चला कि वो नागपुर से पैसा ड्रॉ किया, नागपुर के बाद फिर वो कड़वा गया, कड़वा के बाद बुरहानपुर, बुरहानपुर के पास केवड़िया गुजरात गया, केवड़िया